पड़ा है, काट तो जोर का काटा है और इसका दांत बहुत बारीक बारीक है। चलिए भैया, काफी मशक्कत के बाद हमने देखिए काफी पुश कर रहा है। जीबीएस नहीं का भैया, किसने फोन किया था आप में से? मैं किया। आप इधर आइए, अपने नाम पर अपना नाम पता बताइए। जी, हमारा नाम रमेश कुमार यादव, ग्राम आदमपुर मजौरा से। आज दो दिन से जो है यहाँ इसी पेड़ पे चल रहा था, उतर रहा था, तो आज हम लोग देखे, इसलिए आपको हमने फोन किया। चलिए ठीक है, तो बिस्कपड़ा है ना? बिस्कपड़ा जहरीला होता है, अब आप पकड़ते हैं, आप जानिए। इसको हटवाएंगे जरा, कह रहे थे दो मिनट में हटा देंगे। हाँ तो हटा ही देंगे ना, उसका क्या, थोड़ा थोड़ा सा दूर करो। तो देखिए अभी तक पूरा मतलब लकड़ी हट गया है, तो भी अभी तक दिखा नहीं बिस्कुड़ा, अभी थोड़ा सा और है। कहीं और तो नहीं निकल गया? घास हटाइए, कोई बात नहीं। काफी मेहनत के बाद यहाँ दिखा है। तो भागते भागते पेड़ के ऊपर चढ़ गया है, तो भैया जी ऊपर चढ़ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो पेड़ पे चढ़ने के बाद मिला नहीं, तो अभी हम नीचे कुछ देर तक वेट करेंगे, अगर दिखेगा तो पकड़ेंगे। फाइनली दिख चुका है इन लोगों को, अभी तो हम देखे रहे हैं, और बच्चे शोर मचा रहे हैं, कुछ बड़े भी लोग कहाँ पे है। बहुत ऊपर लगा, दो कुंडन देखा हुआ ऊपर वाले साइन बा। कहते ना, हाँ वो बजावा बस बस मारे जी जान का जाए जाए ना। चलिए भैया, काफी मशक्कत के बाद ये हाथ में आया है। अच्छा, कितने लोग का मानना है जहरीला होता है? सबका सबका मानना है जहरीला होता है। अरे पहले भी दिखा रहा, आपका भी मानना जरूरी है। चलिए यार, हम कटा रहे हैं, कटा होते हैं काले लाद बुक होइए बा भाई। क्यों? चलिए हम मरना चाहते भाई आपके सामने। देखिए काफी पुश कर रहा है, जीबीएस नहीं काट भी रहा था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जीभ से काटता है सर भैया बिस्कपड़ा, जीभ नहीं काटता, दांत होता है बारी बारी। हाँ, तो यह जहरीला नहीं होता, हल्का सा पुश किया है लेकिन पूरी ताकत लगा कभी नहीं काटा। तो चलिए अब जोर लगा के काटा है, अब थोड़ा सा शायद ब्लड आ जाएगा, अब दिखाते हैं। हाँ अभी अब काट लिया है, जोर लगाया है, अब पूरी ताकत लगा रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
चमड़ी छू गए हैं तो यह पूरी ताकत मंत्र मंत्र नहीं होता है, तन मंत्र के चक्कर में ना रहिए। देखिए काटा है कस के जोर का, बहुत जोर का काटा है, लेकिन इसका दांत अभी छोटा है क्योंकि अभी बेबी है, बच्चा है। बच्चा हो? हाँ, मॉनिटर लेजर जो गोय बोलते हैं, थक देगा वो तो डर के मारा है। तो भाई बच्चा बहुत बड़ा होता है तो देखा, तू मान के जहरीला होता है कि नहीं होता है? नहीं होता ना, नहीं होता है, नहीं होता ना, कटवा सकते हम, गारंटी लेते कुछ नहीं होगा। जहरीला होता है नहीं, हम लोग, हम भी तो आपकी तरह इंसान है माता जी। कितने टाइम में काटने बाद आदमी मरता है? अच्छा आप ही बता रहे थे ना कि आपके भतीजों को काटा था, कितना टाइम लगा था उसको खत्म होने में बच्चे को? चलिए हमें घंटा ही बैठते, हमें काटा है ना आपके सामने, कटवाया ना, चलिए ठीक है मेरे पास है कोई ऐसा जिगर वाला जो कटवा सकता है, कुछ नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं कुछ नहीं होगा। अरे भैया चमड़ा छू टेंशन पड़ा तो काफी जोर का काटा लेकिन ब्लड आया नहीं। चलिए इसको हम पैक करते हैं, तुम लोगों से बार बार यही कहेंगे, ये बेजुबान के बेचारे के चक्कर में इतनी अफवाहें फैलाए गए हैं कि बेकसूर है ये मारा जाता है, बेकसूर है मारा जाता है, लोग यही कहते हैं बिचकपड़ा जिसको काट लेता है वो मर जाता है। अरे भाई जैसे हमारा तुम्हारा घर है ना, ये बोलने बोलते रखिए, जैसे हमारा तुम्हारा घर है ऐसे इनका भी घर है, गलती हमारी है, हम जंगल को साफ कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये हमारे घर को अपना जंगल घर बनाएंगे, तो हम जंगल नष्ट कर रहे हैं, तो ये जंगली जानवर है तो हमारे घर में आना मुनासिब है। तो ये नॉन वेनमस है, बिना जहर वाला है, और कभी सांप कुछ लोग कहते हैं जुबान से काटता है, जुबान से नहीं दांत से ही बाइट करता है, और ये देखिए जुबान से ये नहीं काटा था, जब काटा था दांत से काटा था, तो शायद दांत का निशान देखिए यहाँ पड़ा है, तो जोर का काटा है और इसका दांत बहुत बारीक बारीक है। खोल नहीं रहा अपना, देखिए बारी बारी कितना सारा दांत है ना, जो विषैला जानवर होता है उसके बाद दो दांत होते हैं, और जब नॉन वेनमस जहर जो सांप काटेगा तो बारी बारी कई दांत दिखाई देंगे, दो तीन साल से तैयार है, हाँ एक साल में बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको हम पैक करते हैं ज्यादा ना छेड़ते हुए, तो डब्बा है कोई आपको? हाँ एक बैग में डब्बा होगा देना, इसका नाखून इतना पकड़ इतना बढ़िया होता है कि जितना ही बड़ा होगा उतना ही मजबूत इसका नाखून होता है, देखिए किस तरह फंसा रहा है, देखिए पकड़ा ले तुम, नहीं बेटा कुछ नहीं होने वाला है, ये जहरीला नहीं होता है, जो नहीं मरने वाला है और इतनी हवा फैलाई गई घबराहट से ऐसे ही मर जाएगा हाथ से, हाँ इसलिए कितना टाइम हुआ? 5 मिनट हो गया मुझे काटे हुए माता जी, 5 मिनट हुआ, 5 मिनट हो गया। दीपक जी इधर, दीपक इधर दिखाइए माता जी की तरफ, ये कह रहे हमारे भतीजों को काटा था बिस्कोपड़ा, वो खत्म हो चुका था, कर आधा घंटा लगा था और 5 मिनट हो गया, अभी हम 25 मिनट यहाँ रुकेंगे और माता जी को दिखाएंगे, देखिए हम मरते हैं कि नहीं मरते हैं। तो भाई हमारा मकसद है जानकारी देना, लोग माने या ना माने तो उनकी मर्जी है, हम जबरदस्ती किसी को मना तो नहीं सकते, हम अभी भी कह रहे हैं कि जहरीला नहीं था, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं जहरीला होता है, तब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम घोल के पिला तो नहीं सकते। तो नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो में किसी जीव जंतु के साथ, तब तक हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद देते हैं, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरा मकसद है कि अंधविश्वास को दूर करें। मॉनिटर लेजर इसको जो अभी पकड़े थे वो इसको आज़ाद कर दे रहे हैं, हम सोचते हैं इनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आज़ाद कर दें, ऊपर से ली।
और काफी स्पीड है इसकी भागने की। इसको पड़ा भाई और हाथ खा इसको हम छोड़ रहे हैं, इसकी स्पीड काफी है भागने में। मोनेटी लेजेंड को याद करिए, पेड़ भी जा चुका है और नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो में किसी जीव जंतु के साथ। तब तक हाथ जोड़ को सबको धन्यवाद देते हैं और हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो दूर दूर तक फैलाइए भी, ताकि लोग अंधविश्वास जो फैलाएगा लोगों के अंदर उससे वो दूर हो जाए।